जहां इस समय पूरे देश में लॉकडाउन का दौर चल रहा है, वहीं मजदूर और कामगारों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1700 की संख्या में लेकर देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर 8 घंटे देरी से पहुंची, जहां पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें कोविड-19 किट के साथ खाने के पैकेट भी वितरित किए गए और विभिन्न स्थानों पर उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम की बसों से भेजा जा रहा है। बताया जाता है कि गुजरात से श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगभग 8 घंटे देरी से देवरिया सदर स्टेशन पहुंची। वहीं एक प्रवासी कामगार श्रमिक ट्रेन से जब स्टेशन पर उतरा तो उसके हाथ पैर में बैंडेज लगे हुए थे। व्हीलचेयर के अभाव में साथी मजदूर ने सहारा दिया और उसको बाहर निकाला। वहीं स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 1700 प्रवासी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिन्हें लंच पैकेट देकर बस के द्वारा उन्हें गृह जनपद तक भेजा गया। ट्रेन लेट होने से श्रमिकों को काफी परेशानी हो रही थी। 9485 श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो रात को 12 बजे सूरत से चलकर देवरिया को आनी थी, सुबह 7:40 पर यहाँ पहुँची है। ट्रेन पर 1700 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। नहीं, अभी तक तो नहीं रहा है, सब सामान्य ही रहे हैं, सबसे बल्कि उर्ली भी पूछताछ की गई है। गाजियाबाद में एक महिला जो लगातार सेवा में जुटी हुई